शाहबाद सब्जी मंडी के प्रधान काला ओझा जी हमारे बीच हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह कि कृपया आप मंच पर पधारें। पंडित प्रहलाद किशोर रमाणी जी से मेरा विनम्र आग्रह कि कृपया आप शीघ्र के शीघ्र मंच पर पधारें। हमारे लिए सौभाग्य की बात कि शाहबाद के SHO श्री निर्मल चंद जी भी हमारे बीच हैं। मैं उनका मंदिर सभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजऋषि गंभीर जो कि मार्कंडेश्वर मंदिर सभा के प्रधान हैं, आपसे मेरा निवेदन कि कृपया आप आए हुए अतिथियों का स्वागत करें और मंदिर सभा की गतिविधियों के बारे में बताएं। श्री राजऋषि गंभीर जी, एक स्वागत करता हूं। श्री सुमित एवं शिवांश जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे हरमीत तुली जी और हेमंत तुली जी, ये हर शादियों में, वैसे लुधियाना से हर शादियों में आते हैं, और अगर ये ना आ सके तो किसी ना किसी को जरूर भेजते हैं। उनके साथ अंकुश जी और चंद्र जी जो लुधियाना से पधारे, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच शाहबाद के SHO का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज सुबह ही उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे बात हुई कि आज शादियाँ हैं तो आप जरूर दर्शन देना, तो उन्होंने स्पेशल समय निकाल के, आज बहुत व्यवस्था रही है, सरकारी कार्यक्रम आज बहुत ज्यादा है, पासिंग है, मतलब आप देखिए आज हमारे CM साहब की शपथ ग्रहण समारोह भी आज ही है, उसमें से भी इन्होंने समय निकाला, मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। देखिए ये इस कड़ी में निरंतर हमारा ये 61वां सामूहिक विवाह कार्यक्रम चल रहा है। अब तक हम 1744 जोड़ों का विवाह यहाँ मंदिर सभा संपन्न करवा चुकी है, उसी जोड़ी में आज 24 और जुड़ गए हैं, ये 1768 जोड़ों का आज हम सामूहिक विवाह कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर चुके हैं। इसके अलावा ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और सेवन यंत्र, वो भी निरंतर इस कड़ी में दिए जा रहे हैं। देखिए आप लोगों से सिर्फ एक विनती है कि अपने आस पड़ोस कहीं पे भी किसी भी जरूरतमंद को किसी तरह की जरूरत हो इन तीन चारों चीजों में से, तो कृपया करके इनको जरूर बताएं। साल में दो बार शरद पूर्णिमा और रामनवमी, शरद पूर्णिमा अक्टूबर में आती है, रामनवमी अप्रैल या मार्च के एंड में आती है। आप लोगों से अनुरोध है कि इन दो महत्वपूर्ण तिथियों का भरपूर फायदा उठाएं और हमें सेवा का मौका दीजिए। 61वां सामूहिक कार्यक्रम जो हम आज आयोजित कर रहे हैं, ये आप सबकी बदौलत है। आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो ये आगे चलता रहेगा। अगर आप लोगों का सहयोग थोड़ा कम हुआ तो हमें भी इन जैसे लोगों को इकट्ठा करने में मुश्किल हो जाएगी। आप सभी से मैं दोबारा अनुरोध करूंगा, रामनवमी के लिए उनको ये डेट का जरूर याद दिलाएं और मार्च में यहाँ फॉर्म निकल जाएंगे, अपने फॉर्म मंदिर से मंगवा लें। और बाकी आप सबसे पुनः मैं एक बार कहूंगा, आज एक बार उद्घोष कर दिया जाए, बोले ऋषि मार्कंडेय महाराज की। रामायणी जी से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास है, कि आप नवविवाहितों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पंडित प्रहलाद मिश्र रामायणी जी, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती। मार्कण्डे महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महा। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा करण करुणा वरुणालय, भगवान देवादिदेव शरद पूर्णिमा भी नहीं आ सकता क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर सभा के तत्वावधान में बहुत बड़ा समायोजन होता है,
बोले क्या होता है, हमने जब उनको बताया सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के भूषण लाल कुमार जी को, जब ये बताया कि 25 जोड़े विवाह में एक दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा। बोले पंडित जी हम प्रयास करके भी 4 लोगों को नहीं जोड़ पाते, 25 लोग, और ये अभी जैसा प्रधान जी बता रहे थे, ये सब आप लोगों की बहुत बहुत बड़ी महती अनुकंपा है इस मंदिर संस्था के साथ में। हम तो अपने जो है वो भगवान से, मार्कंडेय जी महाराज से यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी संस्था का मनोबल बढ़ता रहे, इसी प्रकार से आप सबका सहयोग मिलता रहे। और मैं निवेदन कर दूं, आज बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए बड़ा गौरवशाली दिन है। रामचरितमानस रामायण, भगवान राम का अवतार नहीं हुआ उसके पहले ही वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान की कथा लिख दी। ऐसे वाल्मीकि जी महाराज की आज पावन जयंती है। महामहोत्सव, राष्ट्र महामहोत्सव, ऐसे सामूहिक पर्व पर, और ये लोग जो आज हमारे सामने 9 वरवधु बैठे हुए हैं, ये कितने खुशनसीब हैं। अभी देखो हमारे भाई सतपाल जी, शर्मा जी, यशोचो साहब और सब बड़े बड़े नगर के प्रबुद्ध जन आपके बीच में साक्षी के रूप में विराजमान हैं। मैं हृदय से सभी का धन्यवाद और साधुवाद कहता हुआ एक बार एक मंत्र में बोलते हुए वाणी को विश्राम दूंगा, जिसमें जब हम लोग आशीर्वाद देते हैं तो ये सदस्मरण किया जाता है इन महापुरुषों का, उसमें मार्कंडेय जी हैं, अश्वत्थामा। विनम्र निवेदन श्री निर्मल सिंह यादव जी, जो हमारे शाबाद के SHO हैं, कि कृपया आप मंच पर पधार कर वर वधु को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। लाल करनी आज का प्रोग्राम, जो जो नए सूत्र में बने हैं, इनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, मुबारक हो। जो कमेटी द्वारा ये काम किया जा रहा है, मैंने सुना है कई सालों से, ये बहुत ही बढ़िया सराहनीय काम है। जो इस प्रकार का काम, जो एक मतलब समाज के लिए बहुत ही प्रेरित है, मैं मेरी पुलिस प्रशासन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रेम। और जब भी मेरे को मंदिर कमेटी किसी प्रकार का सहयोग की कोई जिम्मेवारी लगाएंगे, तो हम दिन रात इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। तो मैं सभी को मेरी तरफ से जो आज का प्रोग्राम है, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल कुमार जी, आप मंदिर सभा के साथ खड़े रहे, हमारे लिए इससे अच्छा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। अब मेरा निवेदन श्री सतपाल शर्मा जी, जो कि कनाडा से विशेष रूप से। ऋषि मार्कंडेश्वर महाराज की सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडे सदा ही जय। यहां से सब कुछ मिलेगा जो भी आपको चाहिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी, एक बार पुनः मंदिर सभा की ओर से आपका हृदय से आभार कि आप में इतनी दूर से चलकर हमारे साथ हैं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं प्रेस और मीडिया के हमारे साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करूंगा, विशेष रूप से श्री मदन आजाद जी, श्री राजेश नवती जी, श्री राकेश सप्रा जी, मृत्युंजय शास्त्री जी, गोल्डी चुक जी, रूबी प्रतापति जी, राममूर्ति शर्मा जी और अन्य साथी, क्योंकि बहुत लोगों से मैं मुख से परिचित हूं लेकिन उनके नाम मुझे तटस्थ नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो आपका हार्दिक अभिनंदन कि मंदिर के सभी कार्यक्रमों को, जो जो हम कार्यक्रम करते हैं, उनको आप मुखर रूप से अपने समाचार पत्रों में और मीडिया में स्थान देते हैं। अब मेरा निवेदन रहेगा मंदिर सभा के प्रधान श्री राजऋषि गंभीर जी और उप प्रधान श्री बलदेव राज चावला जी से, कि कृपया आए हुए अतिथियों का अभिनंदन व सम्मान करें। सबसे पहले श्री पंकज गोयल जी, जो कि
521 फ्रूट प्रोडक्ट तरावड़ी के सीएमडी हैं और बहुत अब मेरा निवेदन कि आप कृपया श्री सदित की ओर से देकर और चुन्नी उड़ाकर सम्मानित करें। रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ जी, हाँ जी सामने, हाँ जी अंकल सर सामने, हाँ जी अंकल जी वेट ऐसे रहना, एक मिनट ठीक है। मेरा निवेदन राजऋषि जी से कि कृपया श्री निर्मल कुमार यादव जी SHO शाहबाद को मंदिर सभा की ओर से एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मेरा अनुरोध रहेगा राजऋषि जी से कि कृपया अनिल कुमार जी और किरत कुमार जी जो गुड़गांव से हमारे बीच हैं, कृपया उन्हें सम्मानित करें। आपसे निवेदन रहेगा कि कृपया आप आगे आ जाएं। मेरा निवेदन राजऋषि जी से कि कृपया आप उनकी भावना देखिए, अस्वस्थ होने के बाद, इतना वृद्ध होने के बाद भी वो हमारे साथ हर बार विवाह समारोह में शामिल होते हैं। मेरा निवेदन कि कृपया हो चुका है, मैं मंदिर सभा के प्रधान से निवेदन करूंगा कि कृपया आप इन दोनों को भी सभा की ओर से सम्मानित करें। कृपया उन्हें भी मंदिर सभा की ओर से एक सम्मान प्रदान करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात कि युवा नेत्री रजिता सिंह, मेरा आग्रह रहेगा सनातन धर्म सभा शाहबाद के प्रधान और हनुमान मंदिर के प्रधान श्री दयानंद वधवा जी भी हमारे बीच मंच पर हैं। मेरा उनसे निवेदन कि कृपया तो आप आओ ना साथ में सामने सर सामने मंदिर पर उपस्थित सभी गणमान्यों से मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया वर वधु को जो मंदिर सभा की ओर से हम एक ब्राइडल सेट भेंट करते हैं सभी वधु हाँ जी अंकल जी सामने देखना देखो सारे Thank you.
एक मिनट, दो मिनट बाद में कर लियो। हेलो, हाँ जी।